नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, केवीएस, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले आपको मिल सकें। साथियों, आज मैं आपको सिखाऊंगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था क्या होती है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसका शिक्षा का स्वरूप क्या है, सभी कुछ सिखा दूंगा साथियों इन अवस्थाओं से संबंधित। साथियों, इससे पहले जो दो तीन लेक्चर हुई हैं उसमें मैंने आपको सिखाया है, पहले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है बाल विकास क्या होता है, वृद्धि और अभिवृद्धि क्या है। दूसरी लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो कि हैं वंशानुक्रम, वातावरण, आहार और यौन। तीसरी लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है सामाजिकरण क्या क्या होता है, उसके प्रमुख साधन क्या क्या हैं, साथ ही साथ सिखाया है कि बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। साथियों, यदि आप इन सभी लेक्चर को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सी टेट, यूपी टेट, बाल विकास के नाम से आप वहां पे क्लिक करिए और सीखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ये जो सीरीज चल रही है साथियों, ए टू जेड सीरीज चल रही है, जितना भी सिखाया जाएगा सी टेट में, यूपी टेट, किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप बैठ जाएंगे और सीडीपी सब्जेक्ट आ रहा होगा, इस सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए साथियों, सीखते हैं शैशवावस्था क्या होती है। तो साथियों, शैशवावस्था की जो एज होती है, आयु होती है, वह है जीरो से, मतलब जन्म से लेकर के, जब जन्म होता बालक का उससे लेकर के होती है 6 वर्ष तक की। तो हम पढ़ते हैं, दो अवस्थाओं को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जिसको जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की जो आयु कहलाती है वह कहलाती है पूर्व शैशवावस्था। उसके बाद जो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु होती है उसको हम कहते हैं उत्तर शैशवावस्था। अब साथियों, बात आती है इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं। तो जो बालक की शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, बालक का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा सीमित होता है। कैसे सीमित होता है? बालक का सिर्फ और सिर्फ परिवार क्षेत्र होता है और उसके मित्र उसके क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उसकी जो सीखने की गति होती है वह सबसे तीव्र होती है। बालक की सीखने की गति सबसे तीव्र होती है। वहीं साथियों, दूसरी तरफ यदि हम देखें तो इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं। कैसे तीव्र गति से होते हैं, हम सिखाते हैं आपको एक उदाहरण से। यदि कोई बालक का जन्म होता है, उसकी हाइट, उसके दांतों की संख्या, उसकी हड्डियों की संख्या सभी अलग होती है। धीरे धीरे उसकी हाइट में देखिए आप, जब बालक उसका, यहाँ तक कि वजन भी चेंज होता है जब बालक 6 वर्ष की अवस्था तक पहुँचता है, जीरो मतलब जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था तक पहुँचता है, तो उसमें बहुत ही तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। वहीं उसके मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे कि बालक की 3 माह का जब बालक होता है तो वो बालक सामाजिकरण की भावना नहीं आती है। जैसे ही बालक 7 से 8 माह का होता है वह सामाजिकरण प्रदर्शित करने लगता है। ऐसे ही कई तरीके के मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। अब साथियों, मनोवैज्ञानिक वेलेंटाइन जी क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक वेलेंटाइन जी बोले हैं इस अवस्था को उन्होंने सीखने का आदर्श काल कहा है। ध्यान देने वाली बात है, इस अवस्था को उन्होंने सीखने का आदर्श काल कहा है। वहीं साथियों, इस अवस्था में बालकों में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। कल्पना की सजीवता पाई जाती है किस में? शैशवावस्था में। कैसे? वह भौतिक वस्तुओं को भी सजीव मानने लगता है। कल्पना के द्वारा वह सजीवता को निर्माण कर देता है। जैसे उसके पास कोई खिलौना है वह उसको भी सजीव समझने लगता है। जैसा कि आपने देखा होगा, खिलौना टूटने पर वह उतना ही विलाप करता है जितना उसके चोट लगती है। कहीं ना कहीं वह भौतिक चीज़ों से अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कल्पना की सजीवता को करने लगता है। और साथियों, बात आती है इस अवस्था के बालक को अनुकरण तथा दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती। वह अनुकरण के द्वारा सीखेगा, अपने बड़ों से, अपने परिवार के सदस्यों से अनुकरण के द्वारा सीखेगा। वहीं साथियों, वह दोहराने की प्रवृत्ति उसमें भी पाई जाती है। अब साथियों, एक नेक्स्ट बिंदु आता है,
कि बालक में जिज्ञासा सबसे प्रबल होती है इस अवस्था में। कैसे? हमने देखा होगा, यदि हम भी समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, तो हम देखते हैं एक बालक होता है, कई तरीके के प्रश्न जिसका कोई अर्थ भी ना हो, वह जिज्ञासा के वशीभूत होकर के, वह जिज्ञासा से प्रेरित होकर के, कई सारे की जिज्ञासु व्यक्ति होकर के प्रश्न आपसे करता है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है सहसवा अवस्था में, जानने की इच्छा, उस वस्तु को जानने की इच्छा सबसे अधिक पाई जाती है। अब साथियों, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं कि इस अवस्था के बालक में कामुकता की भावना सबसे अधिक प्रबल होती है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं, साथ ही साथ इस अवस्था के बालक में स्वप्रेम, स्वयं से प्रेम की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? याद रखिएगा कि ये पाई जाती है सहसवावस्था में, जिसे मनोवैज्ञानिक नर्सिसिज्म कहा जाता है। अब साथियों, बात आती है, यह अवस्था शैक्षिक एवं संवेगात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, शैक्षिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से ही बालक का शिक्षा का, सामाजिकता का, सभी प्रकार के विकासों का प्रारंभ होना स्टार्ट होता है। जैसा हम किसी कार्य का प्रारंभ कर देंगे, वैसा ही वह कार्य आगे ही उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए यह शैक्षिक और संवेगात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथियों, इस अवस्था में समायोजन की अवस्था कहा जाता है। साथ ही साथ इस अवस्था में बालक में मूल प्रवृत्तियों के व्यवहार में करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अब साथियों, बात आती है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। तो साथियों, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शिक्षक छात्र से घुल मिलकर सिखाएंगे, घुल मिलकर रहते हैं और घुल मिलकर के सिखाते हैं। साथियों, अधिक से अधिक खेल के द्वारा बालक सीखता है, बालक को सोचने और विचारने का अवसर दिया जाना चाहिए। सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि बालक को सोचने और विचारने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए कि बच्चे आपसे अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकें। यह भी पॉइंट सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब ऐसे व्यवहारिक प्रश्न बनते हैं, सीटेट हमेशा व्यवहारिक प्रश्न लेता है, तो ये सारे आपके व्यवहारिक प्रश्न में आ रहे हैं। साथियों, और बनता है, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। प्रश्न आपसे बन सकता है कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य किस अवस्था में करना चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए, ऑडिट एग्जाम प्रिपरेशन से आपने पढ़ा है कि बालक में शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य किया जाता है शैशवावस्था में। अब साथियों, अब बात आती है, इस अवस्था में बालक के लिए अधिकतर मॉन्टेसरी विधि से शिक्षा दी जाती है। इस अवस्था के बालक को अधिकतर मॉन्टेसरी विधि से शिक्षा दी जाती है। साथियों, कुछ नोट हैं दिए गए हैं, उसमें सिखाया गया है कि नवजात शिशु 6 माह के बालक में दूध के दांतों की संख्या जो होती है वह 20 होती है, वहीं उसके नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या वह 270 होती है, वहीं उसके मस्तिष्क का भार पूछ लिया जाए तो 350 ग्राम होता है। सिगमंड फ्रायड जी ने एक और बात बताई है, मनोवैज्ञानिक बताई है, लड़कों के मात्र प्रेम भाव को ओडिपस कहा गया है, वहीं लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को कहा गया इलेक्ट्रा कहा गया है। अब साथियों, बात आती है बाल्यावस्था पे। उम्मीद करते हैं आपको शैशवावस्था बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको शैशवावस्था समझ में आ चुका हो, साथियों एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं अच्छे और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। साथियों, मैं सिखाता हूँ आपको बाल्यावस्था क्या होती है। तो साथियों, बाल्यावस्था
इसका प्रारंभ होता है 6 वर्ष से और इसका अंत हम कहते हैं 12 वर्ष की आयु के बालक जो होगा वह उसके बीच की आयु बाल्यावस्था कहलाएगी। इसको भी हम 2 भागों में पढ़ते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? 6 से 9 वर्ष की बाद पूर्व बाल्यावस्था, वहीं 3 वर्ष 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की, उसको भी सीखते हैं। बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? बाल्यावस्था में जो क्षेत्र होता है बालक का वह बड़ा होता है। कैसे क्षेत्र बड़ा होता है? शैशवावस्था में उसका जब परिवार क्षेत्र था, अब वह बालक विद्यालय गया, उसने मित्र लिए, साथ ही साथ परिवार भी है उसका, तो कहीं ना कहीं उसका क्षेत्र बड़ा हो गया। बाल्यावस्था का क्षेत्र बड़ा है और सीखने की गति मंद होती है, सीखने की गति मंद होती है। सिर्फ इन 3 बाल्यावस्थाएँ हैं जिसमें से सीखने की गति मंद कहलाएगी आपकी बाल्यावस्था में। अब साथियों बात आती है, मनोवैज्ञानिक कॉल ब्रूस ने कहा है कि इस अवस्था को अनोखा काल कहा है। वहीं इस अवस्था के बालक में ध्यान देने वाली बात, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाओं, जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको पिन डाउन कर लीजिए। इस अवस्था में बालकों में समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, सही बात। इसमें झुंड, इसे झुंड की आयु कहते हैं, गिरोह की आयु कहते हैं, गैंग की आयु कहते हैं। किस अवस्था को गिरोह की आयु कहते हैं? आप लिखिए बाल्यावस्था। किस अवस्था को गिरोह गैंग की आयु कहते हैं? बाल्यावस्था। किस अवस्था को झुंड की आयु कहते हैं? बाल्यावस्था। किस अवस्था को समूह की आयु कहते हैं? बाल्यावस्था। ये सारे पॉइंट घुमा घुमा के पूछे जा चुके हैं। अब साथियों बात आती है, इस अवस्था में बालकों से ज़्यादा खेल खेलने की रुचि पाई जाती है। इस अवस्था के बालक में ज़्यादा से ज़्यादा खेल खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती। क्यों पाई जाती? भाई वह समूह में रह रहा है, गिरोह की आयु है, गैंग की आयु है, तो कहीं ना कहीं उसमें खेल की भी प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाएगी। अब साथियों बात आती है, इस अवस्था में मानसिक विकास अपेक्षा शारीरिक विकास तेजी से होता है। देखिए जब बालक 6 से 12 वर्ष की आयु में होता है तो उसका शारीरिक विकास कितनी तीव्र गति से हो रहा होता है, उसकी अपेक्षा मतलब विकास हो रहा है मानसिक भी, लेकिन शारीरिक विकास की अपेक्षा मानसिक विकास मंद होता है, कम होता है। अब बात आती साथियों मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार, मनोवैज्ञानिक रॉस कहते हैं इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। वहीं मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को डर्टी आयु या गंदी आयु भी कहते हैं। अब साथियों बात आती है, इस अवस्था के बालकों में संग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रहण करने की इस अवस्था के बालकों में प्रवृत्ति पाई जाती है। वहीं बाल्यावस्था में यौन सुषुप्ता का काल कहते हैं। वहीं हम शैशवावस्था को जो हम कामुकता का काल कह रहे होते हैं, वहीं हम बाल्यावस्था को यौन सुषुप्ता का काल कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की कामुकता की भावना बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसे बाल्यावस्था कहते हैं। अब साथियों बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, एक एक पॉइंट को हम सीखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। साथियों बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण व्यवस्था सामूहिक होती है, क्योंकि जब वह समूह में कार्य करेगा तो सामूहिक तो हुई होगी ही। वहीं ऐसे कार्य दिए जाएं जो समूह परियोजना पर आधारित हों। समूह परियोजना पर आधारित बालकों को कार्य देना चाहिए, बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया जाए तथा उनके कार्य को स्वीकार किया जाए। इस अवस्था में बालकों की जिज्ञासाओं को शांत किया जाए, साथ ही साथ उनके कार्यों को भी स्वीकार किया जाए। साथ ही साथ इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वाद विवाद, अभिनव, नाटक आदि शिक्षण के अनिवार्य अंग होने चाहिए। वाद विवाद द्वारा, अभिनय के द्वारा, नाटक के द्वारा आदि शिक्षण कार्य के अभिन्न अंग होने चाहिए, ऐसा बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कहता है। अब साथियों बात आती है, इसमें मॉन्टेसरी विधि, आगमन विधि, निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप में। उम्मीद करते हैं आपको बाल्यावस्था किशोरावस्था समझ में आई होगी। नेक्स्ट अवस्था पढ़ते हैं किशोरावस्था एडोलसेंस। तो साथियों क्या कहती है हमारी किशोरावस्था
किशोरावस्था है हमारी, यह अवस्था 12 वर्ष जैसे ही बाल्यावस्था खत्म होगी, उसके समाप्त होगी, उसके तुरंत बाद स्टार्ट होगी किशोरावस्था, जिसकी आयु होती है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था कहलाती है। शुरुआत की 3 वर्ष की अवस्था वही पूर्व, 12 से 15 वर्ष की अवस्था को हम कहेंगे पूर्व किशोरावस्था, वही 15 से 18 वर्ष की अवस्था कहलाएगी उत्तर किशोरावस्था। अब साथियों बात आती है किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हम पढ़ चुके हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था की विशेषताएं, अब हम सीख रहे हैं किशोरावस्था की अवस्थाएं। तो साथियों इस अवस्था में क्षेत्र सबसे बड़ा तथा सीखने की गति सबसे तीव्र होती है। कैसे क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो साथियों हम जानते हैं कि धर्म, व्यवसाय, मीडिया, विद्यालय, परिवार, मित्र, ये सारे के सारे किशोरावस्था में होते हैं, तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, साथ ही साथ इसके सीखने की गति भी तीव्र होती है। मनोवैज्ञानिक किल पैट्रिक जी कहते हैं इसको सीखने का कठिन काल कहा जाता है, किशोरावस्था को सीखने का कठिन काल कहते हैं मनोवैज्ञानिक किल पैट्रिक जी। वहीं वह मनोवैज्ञानिक स्टेने हॉल कहते हैं इसे सीखने का अनोखा काल कौन कहता है? मनोवैज्ञानिक स्टेने हॉल इसको सीखने का अनोखा काल कहते हैं। साथियों शैशवावस्था और किशोरावस्था में कामुकता की प्रबलता पाई जाती है और बाल्यावस्था में कामुकता की प्रबलता नहीं पाई जाती है। वहीं साथियों इस अवस्था में को ब्यूटी एज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या क्या कह रहे हैं इस अवस्था को हम अनोखा काल कह रहे हैं, कठिन काल कह रहे हैं, ब्यूटी एज कह रहे हैं। साथ ही साथ इस अवस्था के बालक में विषम लिंगी के प्रति लगाव की भावना सबसे प्रबल पाई जाती है, विषम लिंगी के प्रति भावना पाई जाती है। साथ ही साथ इस अवस्था के बालकों में बुद्धि का विकास होता है वह सबसे अधिकतम तीव्र गति से होता है, साथियों साथ ही साथ आती है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। इस अवस्था के बालक में कल्पना की प्रधानता होती है, ये कल्पना द्वारा, चिंतन द्वारा, विचार द्वारा अपने भावों को अपने चिंतन करके अपने बाल विकास करते हैं, कई तरीके के विकास को करते हैं, संज्ञानात्मक हो चाहे संवेगात्मक हो या भाषाई विकास हो। साथियों यह अवस्था आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था स्वयं को आत्मनिर्भर करने की साथ ही साथ व्यवसाय को चुनने की अवस्था कहलाती है। साथियों इस अवस्था में बालक समाज के प्रति विद्रोह की भावना पाई जाती है, समाज के प्रति ये विद्रोह की भावना को इसमें पाई जाती है। साथियों अब सीखते हैं हम किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो साथियों किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, इस अवस्था में शिक्षक परामर्शदाता के रूप में कार्य करे, शिक्षण सत्तावादी शिक्षण ना करे, बौद्धिक नेता के रूप में कार्य करे, शिक्षक परामर्शदाता के रूप में कार्य करे, सत्तावादी वातावरण शिक्षक को फॉलो नहीं करना चाहिए, ना ही हस्तक्षेप रहित वातावरण का प्रयोग शिक्षण में करना चाहिए। साथ ही साथ साथियों इस अवस्था के बालकों को भावनात्मक क्षेत्र में सहायता देने की आवश्यकता होती है, उसके भावनात्मक क्षेत्र को प्रबल बनाने के लिए उसकी सहायता करनी होती है। वही साथियों पाठ्य सहगामी क्रियाएं शिक्षण का अनिवार्य अंग होना चाहिए, जो सहगामी क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो पाठ्य के साथ और सहगामी क्रियाएं होती हैं वह अनिवार्य अंग होना चाहिए शिक्षण का। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं आपको बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी के साथ साथ यूनिट फर्स्ट CDP बाल विकास की फिनिश होती है, हमने सिखाया है आपको। CDP का 5वां हिस्सा पढ़ चुके हैं, 5 यूनिट हमने बनाई है जिसमें से प्रथम यूनिट फिनिश होती है आज। साथियों यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।